हेलो दोस्तों, मैं ध्रुव कुमार यादव आप सभी का ड्रीम लर्न के एक न्यू वीडियो में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे या आप लोग भी बार बार प्रश्न पूछ रहे थे कि जो भी आप ड्रीम लर्न पे मैच खेलते हैं, विनिंग जोन में होने के बावजूद भी जो विनिंग जोन का प्राइज होता है आपको पूरा पूरा नहीं मिलता, यानी ड्रीम लर्न पे अगर रैंक टाई हो जाता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, या विनिंग जोन में होने के बावजूद भी पूरा प्राइज क्यों नहीं मिलता, तो इसी के बारे में हम लोग डिटेल से इस वीडियो में जानेंगे। सो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ड्रीम इलेवन के किसी भी मैच में अगर आप विन करते हैं, विनिंग जोन में होते हैं, तो जो भी वहां पर प्राइज होता है विनिंग जोन के लिए अलग अलग, उसमें आपको पूरा प्राइज नहीं मिलता, कम मिलता है उससे। तो ऐसा इसलिए होता है कि एक ही रैंक पे बहुत सारे लोग प्लेयर यानी आपकी रैंक टाई हो जाती है। तो ऐसे केस में यह होता है कि जितने लोग उस रैंक पे टाई किए होते हैं और उनके उनके बीच में जितने भी रैंक होल्डर होते हैं उनके प्राइस को ऐड करके, ठीक है, उन सब में इक्वली यानी बराबर बराबर बांट दिया जाता है। ठीक है, चलिए इसको हम लोग आगे एक एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं। चलते हैं मोबाइल स्क्रीन की तरफ। मैंने ड्रीम इलेवन ऐप को ओपन कर लिया हुआ है। ओपन करने के बाद जो नीचे लिखा है माई मैचेज, मैंने इस पर टच किया। टच करने के बाद फिर कंप्लीटेड पे आ गए। ठीक, आपका यहाँ पे जिम्बाब्वे और इंडिया के बीच में 10 जुलाई का जो तीसरा T20 मैच हुआ था, हम उसे ओपन कर लेते हैं, जो कि आपका ख़त्म हो चुका है। ठीक है, जो यहाँ पे मेगा का कॉन्टेस्ट था जिसमें नंबर वन प्राइज आपका 1.5 करोड़ रुपीज़ था, हमने इस पर टच किया। टच करने के बाद देख सकते हैं कि जो यहाँ पे नंबर वन पे हैं दो लोग हैं। ठीक है, दोनों को 90 लाख रुपीज़ मिला हुआ है, जबकि आपका अगर विनिंग वाले सेक्शन में आते हैं तो जो नंबर वन पे होगा उससे 1.5 करोड़ मिलना चाहिए और जो नंबर दो पे है उसे 30 लाख मिलना चाहिए। ठीक है, लेकिन इनको 90 लाख मिला हुआ है। वो इसलिए मिला हुआ है क्योंकि इनकी जो रैंक है वो टाई हो चुकी है। ठीक है, जब भी टाई रैंक होती है यानी रैंक पे एक से ज़्यादा लोग हो जाते हैं, तो जितने भी लोग होंगे तो जो रैंक होगा उसके रैंक वाइज जो भी उनकी प्राइस होगी उसे ऐड किया जाएगा। मान लीजिए कि अगर एक ही नंबर पे चार लोग होते तो एक से लेकर चार तक जो रैंक है इनका जो प्राइस है वो ऐड किया जाता, फिर सबको इक्वली बांट दिया जाता चारों लोगों को। जैसे कि यहाँ पे एक नंबर पे दो लोग हैं तो रैंक वन और रैंक दो इन्हीं लोगों को माना जाएगा, और जो इन दोनों का प्राइस है एक पे 1.5 करोड़ और एक पे 30 लाख, इन दोनों का ऐड करके हुआ आपका 1.80 करोड़। ठीक है, फिर 1.80 करोड़ को इन दोनों में बराबर बराबर 90 लाख बांट दिया गया है। ठीक है, उसी तरह आप देख सकते हैं कि नंबर तीन पे दो लोग हैं। ठीक है, तो इनको 7.5 लाख, 7.5 लाख मिला हुआ है। ठीक, तो जो इनका इनका रैंक यहाँ पर तीन दिखा रहे तो इसका मतलब यह हुआ कि एक तीन पे होंगे एक चार पे होंगे, तो यानी इनका जो रैंक तीन और रैंक चार यहाँ पे है इसका जो भी प्राइस है इन दोनों को ऐड किया जाएगा। तो नंबर तीन पे 10 लाख है और नंबर चार पे 5 लाख, दोनों को ऐड करने पे होता है आपका 15 लाख। तो अब इन दोनों को ऐड करके, ठीक है, जो 15 लाख आया तो जो भी तीन नंबर पे दो लोग हैं इनमें आधा आधा यानी 7.5 लाख 7.5 लाख इनमें बांट दिया गया है। ठीक है, ये तो हुआ आपका पहला एग्जाम्पल। दूसरे एग्जाम्पल से और आपको हम समझा देते हैं। उसी तरह जो इंडिया और जिम्बाब्वे के बीच में 7 जुलाई को जो दूसरा T20 मैच हुआ था, हम उसे ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ पर भी जो नंबर वन प्राइस था 1.5 करोड़ रुपीज़ था, हमने इसे टच किया। टच करने के बाद देख लीजिए यहाँ पे कि एक नंबर पे चार लोग हैं। ठीक है, और इन सबको 50 लाख रुपीज़ मिला हुआ है। विनिंग में आ जाइए, देख सकते हैं कि नंबर वन को 1.5 करोड़ मिलना चाहिए, नंबर दो को 35 लाख, नंबर तीन को 10 लाख और नंबर चार को 5 लाख मिलना चाहिए। लेकिन एक ही रैंक पे चार लोग होने की वजह से एक से चार तक लेकर, ठीक है, यानी एक ही रैंक पे जितने लोग होंगे उतने रैंक को, यानी चार लोग हैं तो एक से लेकर चार तक की जो रैंक है, जो भी इनका प्राइस है, इन सबको ऐड किया जाएगा। जैसे कि एक से चार तक जो प्राइस है आपका 1.5 करोड़, 35 लाख, 10 लाख, 5 लाख, टोटल होते हैं आपके 2 करोड़। इन 2 करोड़ रुपये को सब में, यानी एक नंबर पे चार लोग हैं तो चारों में बराबर बराबर बांट दिया जाएगा।
तो अगर आप 2 करोड़ में 4 से भागा देंगे तो सबके हिस्से में 50 लाख रुपीस आ जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से जब कभी भी किसी भी कॉन्टेस्ट में अगर आप पार्टिसिपेट होते हैं और एक ही रैंक पे एक से ज़्यादा लोग हो जाते हैं तो उस कंडीशन में जो विनिंग प्राइज होती है, ठीक है, मतलब विनिंग जोन में रहने के लिए उतना प्राइज आपको नहीं मिलता है। ठीक है, तो रैंक टाई होने पे यही जो फार्मूला है इसको अप्लाई किया जाता है, सब में जो जो भी प्राइज है, जो भी पैसा है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। उम्मीद है कि अब आप जान चुके हैं कि रैंक टाई होने पे क्या होता है। उम्मीद है कि अब आप जान चुके हैं कि जो आपका प्रश्न था कि ड्रीम इलेवन पर रैंक टाई होने पे क्या होता है, या विनिंग जोन में होने के बावजूद भी आपको पूरा पैसा क्यों नहीं मिलता। फिर भी कोई डाउट हो, कोई सजेशन हो, या किसी अदर टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो वीडियो का कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो की जानकारी पसंद नहीं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन मिल जो प्रेस कर दीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।